हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज हम मलाई से बहुत ही आसानी से घी निकालना बताएंगे कि किस तरह से हम आसान तरीके से घी निकाल सकते हैं। तो आज हम बिना हाथ लगाए घी निकालेंगे और कुछ एक खास ट्रिक के साथ हम घी निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालना है। मलाई सबके घर में इकट्ठा हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए हमने मलाई लिया है, ढेर सारी मलाई है, कई दिनों से इकट्ठे हो गए थे। तो हम सोच रहे थे क्या करें, तो मुझे आइडिया आया कि आज हम मलाई से घी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मलाई है, एकदम कई दिनों से मलाई हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसमें जितनी मलाई हमें निकालनी, बड़ी जार हमने ली है, तो इतनी ढेर सारी मलाई हम दो बार में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधी मलाई को, इस भगोने से आधी मलाई को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही खास ट्रिक है, इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए ढेर सारी मलाई, करीब हमने आधी मलाई भगोने की, एक भगोने में से आधा भगोना मलाई का हमने जार में डाल दिया है। उसके बाद हम इस मलाई को साइड में करेंगे, जो मलाई निकालना है हमें से आगे रखना है। यहाँ पे एक गिलास हमने पानी लिया है, पानी को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। एक गिलास यहाँ पे छोटे गिलास से हमने पानी डाला है, जार को हम बंद करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने मिक्सी ली है, मिक्सी पे हम मलाई को हम ग्राइंड करना है एकदम। तो यहाँ पे देखिए हम ग्राइंड करेंगे। तो देख लेते हैं मलाई निकली है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मलाई अभी नहीं निकली है, क्रीम जैसी हो गई है। तो इसके बाद हमें फिर से क्या करना है, इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पे एक गिलास हमने पानी पहले डाला था मलाई निकालते वक्त, उसके बाद देखिए क्रीम जैसी हो गई है। एक गिलास हम और पानी डाल रहे हैं, फिर से इसे हम चलाएंगे। एक मिनट हमने चलाया था, एक मिनट और हम इसे चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जार, हमने मिक्सर को बंद कर दिया है। तो ये देखिए मलाई एकदम सही से निकली है, बहुत ही जल्दी मलाई निकल गई है। टोटल यहाँ पे 3 मिनट लगा है, 3 मिनट तक हमने लगातार मिक्सर को चलाया है। यहाँ पे देखिए मलाई जो है निकल गई है, हम इसको मिक्सर से हटाते हैं। तो अब हम दिखाते हैं, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम सही तरीका है ये मलाई निकालने का। यहाँ पे हाथ वगैरह भी नहीं लगाना है हमें, कोई टिटकने वाली नहीं है। जितना ही मलाई एक भगोना हो, दो भगोना हो, आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो इसे हम अलग करते हैं पहले। तो यहाँ देखिए इस तरह का कलछी हमने लिया है जालीदार, ताकि जो नीचे का पानी और जो हमने डाला था वो पानी अलग रह जाए। ये देखिए कितनी अच्छी से मलाई निकली है, बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। ठंडियों में मलाई जो होती है बहुत ठंडी होती है, तो हाथ से भी मारा नहीं जाता है मलाई को, इसलिए इस तरीके से निकालिए। मिक्सर में फटक से निकल जाएंगे, ढेर सारी मलाई निकलेगी। और इससे घी भी होता है ना, बहुत ज़्यादा घी निकलता है। हम आपको अभी घी भी निकालेंगे, इससे दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने निकाल लिया है, बाकी का जो पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी में हम, तो यहाँ देखिए मलाई हम दिखाते हैं आपको। देखिए कितनी ढेर सारी मक्खन निकल गई है, निकली है ना ढेर सारी मक्खन। तो वैसे देखिए बाकी का पानी हमने लिया है, फिर हम इसमें मलाई डालेंगे। यहाँ देखिए तीन कलछी भर भर के हमने मलाई डाल दी है। अब फिर से इसे हम चला लेंगे और टोटल 3 मिनट हम चलाएंगे। पानी कम लगे जब क्रीम जैसे हो जाए, तो याद ध्यान रखना इस बात का, खोल खोल के हमें देखना है बीच बीच में मिक्सर को, पानी तो कम नहीं हो गया। ज़्यादा क्रीमी जैसा हो जाए तो उसमें पानी डाल के भी हम चलाएंगे। फिर से हम चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिक्सर जार से हमने कितने ढेर सारे मलाई निकाल लिए हैं। तो अब इसका घी निकालेंगे, मक्खन निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मक्खन हमने निकाल लिया है, तो अब हम इसे गैस पे रखेंगे, घी निकालेंगे हम। तो हमने गैस पे रख दिया है, गैस को हमने ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम जो हाई है। यहाँ ढेर सारी मलाई देखिए कितनी आसानी से निकल गई, बिना हाथ लगाए यहाँ पे हमने मलाई निकाली है। अब इसे मेल्ट होने देंगे अच्छे से। इस तरह से अगर हम मिक्सर में निकालते हैं मलाई को, तो घी जो है ना बहुत ज़्यादा निकलेगी। यहाँ पे देखिए अच्छे से पिघलने लगी है मक्खन जो है, तो गैस का फ्लेम हाई रखिए। यहाँ देख सकते हैं घी कितनी आसानी से निकल गई, और यहाँ तो पूरा आधा किलो हमने देसी घी निकाल के तैयार किया है। और बहुत ही जल्दी से उतनी मलाई से हमने देखिए आधा किलो घी निकाली। और यहाँ पे जो ये मलाई का ये निकलता है ना, तो ये भी बहुत कम निकला है, इसकी वजह से घी ज़्यादा निकली है। तो मिक्सर में जब भी हम निकालेंगे तो घी ज़्यादा निकलेगा। तो इस तरह से निकालिए, बहुत ही आसान सा ट्रिक है ये घी निकालने का, और कोई झंझट नहीं, कोई हाथ लगाने का टेंशन नहीं। यहाँ फटाफट से मिक्सर में निकालते हुए इस तरह से घी निकालिए, ढेर सारे घी बन निकाल के तैयार करिए। यहाँ शुद्ध देसी घी हमने तैयार कर लिया है, कुछ देर इसे और पका लेंगे। तो देखिए घी बिल्कुल
एकदम अच्छे से पक गई है, एकदम अलग हो गया ये। तो देखिए ये अच्छे से निकल गई है, तो हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे पहले ठंडे हो जाने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए गैस को हमने बंद कर लिया है, अब ये थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, ये झाग जो है नीचे हो जाएगी, तो उसके बाद घी देखिए कितना सही घी निकाला है, बिल्कुल सही तरीका है घी निकालने का ये। तो यहाँ देखिए घी जो है थोड़ी सी ठंडी हो गई है, ज़्यादा ठंडी नहीं हो गई। तो यहाँ पे देखिए कांच का हमने इस तरह से लिया है, बाउल लिया है, तो उसमें हम सबसे पहले छान लेंगे घी को। देखिए कितनी अच्छी से घी निकली है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये घी निकालने का। इस तरह से घी निकालेंगे ना तो घी एकदम परफेक्ट तरीके से निकलेगी और बिना किसी झंझट के। सर्दियों में तो घी जल्दी हाथ से मतलब फेंटते फेंटते घी जल्दी निकलती भी नहीं है, तो इस तरह से जल्दी से फटाफट से घी निकालिए, बहुत ही अच्छे से निकल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से देखिए कलछी से हम दबा दबा के अच्छे से घी निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए कितनी शुद्ध कितनी प्योर देसी घी निकली है और निकालने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से घी निकाल के बताइएगा कैसा लगा हमारा ट्रिक। तो मिलते हैं आपसे अगली अगली नई रेसिपी के